हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बैकग्राउंड को लेके माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है और आज भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी रिंग। तो ये देखिए, पहन कर सारी रिंग आप लोगों को दिखाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, एक, दो, तीन और थी, ये देखिए कुछ इस तरीके की है। ये तीन रिंग अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। इसकी डिजाइन देखिए, वाव कितनी अच्छी लग रही है ना। इसके साथ भी काफी अच्छे से जा रही है, तीन रिंग है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा कंगन, ये इस तरीके का है कुछ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये इस तरीके का, ये देखिए, एक हाथ का ये है, एक हाथ का ये है और एक हाथ का ये है, इस तरीके का। ये देखिए प्यारा लग रहा है ना। इसकी डिजाइन काफी ज्यादा प्यारी है और काफी ज्यादा शाइन है इसमें। कैमरे में उतनी अच्छे से नहीं दिख रहा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे हैं कितना ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे मंगलसूत्र पे। सबसे पहला ये वाला मंगलसूत्र है। आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा, मैंने इसे डाला हुआ था। यहाँ लक्ष्मी माता है, तो ये देखिए लक्ष्मी माता इसमें छोटी छोटी सी बनी हुई है, काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और ये गोल्ड है और बीच में गोल्डन और ब्लैक कलर की मोती है और काफी अच्छा लगता है, रॉयल लुक देता है पहनने पे, काफी प्यारा लगता है और काफी लॉन्ग है। तो फर्स्ट मंगलसूत्र हमारा ये, सेकंड मंगलसूत्र ये हमारा जो सेम है, इसमें गोल्ड की मोती है, बीच बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर की मोतियां लगी हुई और इतना ये लॉकेट है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये लॉकेट है, जो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। जब आप इसे डालोगे ना गले में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये भी सेम है, उतनी ही साइज है दोनों की लगभग। ये देखिए उतनी ही साइज है, थोड़ा सा ये वाला इसकी वजह से बड़ा है, सेम साइज है। और इसके बाद हम दिखाते हैं हमारे चैन। तो यहाँ पे गोल्ड सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, गोल्ड कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, सारे फंस गए हैं। तो सबसे पहले हमारी ये वाली चैन है जो कुछ इस तरीके की है। ये देखिए, ये बिल्कुल पतली है, काफी अच्छी है, सिंपल सोवर है। अगर आप इसे गले में डालोगे ना काफी ज्यादा प्यारा लगता है। सेम इसी तरीके की है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट में है। ये देखिए, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हिल रही है, आप देखिए है ना, डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं। और इसके बाद आ जाती है हमारी ये चैन। एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये काफी ज्यादा प्यारी है। ये देखिए, ये इसको ऐसे करके ले लो और अच्छी भी लगती है पहनने पे, काफी ज्यादा प्यारी लगती है, पहन लो तो ये काफी ज्यादा प्यारी है ना। और सेकंड यानी कि फोर ये है हमारी ये चैन, कुछ इस तरीके की है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट नेकलेस की बारी। ये है हमारा नेकलेस, कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके की है इसकी डिजाइन, पहनने पे काफी ज्यादा प्यारा ये भी लगता है। ये देखिए है ना प्यारा वाला। जब आप इसके साथ टीका लगाओगे ना तो क्या कहना, ये है टीका। अभी मैं टीका पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए, चलिए पहले टीका दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है टीका, देख रहे हो है ना, प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा टीका। और इसकी इयररिंग कहाँ गई, इसकी इयररिंग आपको, इसकी इयररिंग दिखाते हैं। और ये है इसकी इयररिंग, देखिए कुछ इस तरह की इसकी इयररिंग है। आप इसको इस तरीके से ऊपर कवर कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, अच्छी लग रही है ना, काफी ज्यादा प्यारी है। तो ये हो गई इसकी इयररिंग। और अब मैं इसी के साथ इयररिंग और दिखा देती हूँ। एक इयररिंग ये है, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, कुछ इस तरह की है ये। और इसके साथ और इयररिंग है, दिखाती हूँ, छोटी बड़ी ऐसी है सारी। तो ये देखिए, एक इयररिंग ये है, देख रहे हैं अच्छी लग रही है ना,
काफी प्यारी लग रही है। और इसके बाद एक इयररिंग हमारी, ये देखिए देखिए देख रहे हैं, दूसरी ये है। और इसके बाद अब किसकी बारी आती है, अब आती है हमारे नथ की बारी। तो ये है हमारी नथ, अच्छी लग रही ना, इस तरीके की है ये देखिए, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और बस हो गया हमारा कलेक्शन। और ये जो है ना गोल्ड कलेक्शन है, रियल गोल्ड कलेक्शन नहीं है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सोने का है, ये सोने का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, यानी कि लोकल गोल्ड कलेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी जो है गोल्डन कलेक्शन, यानी कि मेरे पास जितनी ज्वेलरी है गोल्डन की वो। लेकिन अभी इनमें से आधी अभी गोल्डन ज्वेलरी बाकी है, जिसमें मीना वगैरह होता है ना कुंदन वाला काम, तो वो वाली मैं अलग से कलेक्शन दिखाऊंगी। ये सिर्फ गोल्ड था, इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं था जो मतलब कि अलग लगे देखने में, तो इसलिए मैंने सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और फिर से ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, यानी कि आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है।